Okay, so let's go ahead with the next question. Question number 11. In binomial series, wavelength of first line is lambda 1, and in bracket series, wavelength of first line is lambda 2. So what is the ratio of lambda 1 by lambda 2? तो आपको पता है, जनरल फॉर्मूला आपको पता है, 1 by lambda is r, 1 by p square minus 1 by n square. अब फॉर बाल्मर सीरीज, यू नो व्हाट इज फर्स्ट लाइन. बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन होता है सेकंड लेवल पे, कहां से? तो 3, 4, 5 इस लेवल से. तो फर्स्ट लाइन जो होता है उसके लिए तो ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 3 टू पी इक्वल टू 2 फॉर बाल्मर सीरीज. ओके, सो आपको पता ना एल बी पी बी पी लिमिन बाल्मर फर्स्ट चेन ब्रैकेट फंड. सो 1 upon lambda 1 equal to r 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. So this is r, okay, so 1 by 4 minus 1 by 9. So this is 9 minus 4, 5 by 36. So 5 r by 36. This is 1 by lambda 1. Equation number 1. Similarly, for ब्रैकेट सीरीज यू नो ट्रांजिशन ऑकर्स एट 4 एंड फ्रॉम हायर लेवल्स. तो पहला जो सीरीज होगा उसमें ट्रांजिशन होगा 5 to 4. पहला जो लाइन होगा 5 to 4 ट्रांजिशन होगा. तो 1 by lambda 2 इज इक्वल टू आर 1 by 4 square, that is 16, minus 1 by 5 square, that is 25. So, ye aapko mil jayega. 25 minus 16 is 9 upon 25 into 16. 25 into 10 is 250, and into 6 is 25 into 10, 250, right? Or into 6, 150, so 400. So this is what you are going to have. So, आपको 9 r by 400 ऐसा मिलना चाहिए. Let me look at my calculation. ऐसा ही होगा. This is what you should be getting. So, anyways, तो ऐसा आपको मिलेगा. Right? Good. आपको पूछा है lambda 1 by lambda 2. तो मैं equation number 2 को 1 से divide कर देता हूँ. So, you will have 1 by lambda 2 upon 1 by lambda 1 equal to 9 r by 400. Upon 5 r by 36. Okay, so r r to cancel ho jayega. So this will give you lambda 1 by lambda 2 equal to 9 by 400. Okay, so you will have 9 by 400. Into 5 और यहाँ पे 36, राइट? तो इजी है, कैलकुलेशंस करना है आपको सिर्फ. तो ये आ जाएगा 4 9s, ये आ जाएगा 400s. तो आपके पास आ गया 81 by 500. ओके, तो 81 by 500 करना भी इजी है. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन डू इज ये 500 का 100 ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पर -2 होगा. This is 1 जा एंड उसको ऊपर 80 मान लेते हैं. अगर इफ यू टेक इट टू बी 80, आपको पता है दिस इज 16 जा, है ना? 16 10 पर -2 मतलब 0.16 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यू जस्ट हैव टू नो फॉर्मूला, दैट्स इट. और पता होना चाहिए कि विच इज फर्स्ट लाइन इन बाल्मर एज वेल एज इन ब्रैकेट सीरीज. तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है फर्स्ट लाइन के लिए, अगर आपको इतना पता है देन इट इज इजी. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल. ओके, द वेलोसिटी दैट द फोटॉन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल बी. तो व्हाट यू हैव इज ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है. ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 4 से p इक्वल टू 2 पे.
right? This is what you have. So, सबसे पहले you need to calculate what is the wavelength emitted. So, what is wavelength emitted? 1 by lambda equal to R 1 by P square minus 1 by N square, मतलब 1 by 2 square minus 1 by 4 square. Okay? ट्रांजिशन एट ग्राउंड लेवल है ऑलराइट. सो ग्राउंड लेवल मतलब पी इक्वल टू वन. ग्राउंड लेवल इज पी इक्वल टू वन ऑलराइट. सो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 माइनस 1 बाय 16 दैट इज 15 आर बाय 16 ऐसा आ जाएगा आपके पास. सो यू हैव 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 15 आर बाय 16 दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. आपको यहां से लैम्ब्रा मिल गया 16 बाय 15 आर. आपको चाहिए वेलोसिटी. इफ यू रिमेंबर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस तो यू नो मोमेंटम इज एच अपॉन लैम्ब्रा. ओके तो आई विल बेटर कीप रेसिप्रोकल ओनली. पी मोमेंटम इज एम वी एच अपॉन लैम्ब्रा. तो 1 अपॉन लैम्ब्रा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से है ही. So that is 15 R by 16. So therefore velocity V is 15 HR by 16 M. Okay. So 1 by lambda हमने equation number 1 से डाला है. So from equation number 1 we have used 1 by lambda. So 15 HR by 16 M option number D. So again as you see it's a very simple question. आपको सिर्फ you should know what is the formula of for momentum h upon lambda or lambda 1 upon lambda kaise nikala humne. To as you can see you have Ritzberg formula usme aapne substitute kar diya transition ke jo values hai p and n ke and that's it. Next question, the frequency for series limit of Balmer and Paschen respectively are nu1 and nu3. If the frequency of first line of Balmer series is nu2 then the relation between nu1 nu2 and nu3 is. तो इजी क्वेश्चन है. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीरीज लिमिट. ओके तो इफ यू रिमेंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये एन इक्वल टू वन लेवल है. फिर ये सेकंड एनर्जी लेवल है. देन यू हैव दिस एज थर्ड एनर्जी लेवल. देन यू हैव फोर्थ एनर्जी लेवल. देन यू हैव सम एनर्जी लेवल लाइक दिस एंड फाइनली यू हैव इंफिनिटी एनर्जी लेवल. ऑलराइट तो ऐसा आपके पास है. So you have something like this, n equal to 1 energy level, n equal to 2 energy level, n equal to 3 energy level, n equal to 4, n equal to 5, this is n equal to infinity. Okay, series limit kya hota hai? Because basically kya hai, as you remember, wavelength is inversely proportional to energy difference. जितना energy difference ज्यादा होगा उतना wavelength कम होगा. तो series limit मतलब shortest wavelength emitted in any series is series limit. तो definitely transition infinity से ही होना चाहिए. तो अगर Balmer series की बात कर रहे हैं तो Balmer series में series limit मतलब Balmer series सीरीज लिमिट का मतलब होता है दैट द ट्रांजिशन इज फ्रॉम एन इक्वल टू इंफिनिटी टू एन इक्वल टू टू. क्योंकि लीमेन सीरीज में ट्रांजिशन होते हैं एन इक्वल टू वन पे. बालमर में होता है एन इक्वल टू टू पे. इंफिनिटी टू टू विल गिव यू सीरीज लिमिट ऑफ बालमर सीरीज. तो ये बालमर सीरीज का सीरीज लिमिट हो गया. और फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस इज नू वन. ओके सिमिलरली पाश्चेन सीरीज आपको पता है पाश्चेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है एन इक्वल टू थ्री पे. सो इन पाश्चेन सीरीज यू हैव ट्रांजिशन एट एन इक्वल टू थ्री. इंफिनिटी टू थ्री दैट विल गिव यू सीरीज लिमिट ऑफ पाश्चेन सीरीज. फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस इज नो थ्री एंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू Balmer series limit is no one. आपको बोला है if the frequency of first line of Balmer series का पहला line
Boehmer's इसका पहला लाइन मतलब ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3 to 2. तो Boehmer's इसका पहला लाइन मतलब ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3 to 2. ओके राइट, फ्रॉम 3 to 2 दिस फ्रीक्वेंसी इज नो 2. ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नो 1 नो 2 एंड नो 3? सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इन रियलिटी इट इज नथिंग. व्हाई? बिकॉज़ ऑब्वियसली यू सी फ्रॉम हियर आपको दिख रहा है यहां से नो 1 इज इक्वल टू नो 2 प्लस नो 3, है ना. एन इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी एन इक्वल टू इंफिनिटी टू एन इक्वल टू 2 ट्रांजिशन, ये कैसे हो रहा है? दो स्टेजेस में हो सकता है, इंफिनिटी टू 3 एंड 3 to 2. So what you can write down is nu 1 is equal to nu 2 plus nu 3. So nu 1 minus nu 2 equal to nu 3. Option number A. Question बहुत ही simple है. सिर्फ आपको series limit पता होना चाहिए. You need to know the idea of series limit. Series limit is the shortest wavelength, smallest wavelength emitted in a series. And for that to happen, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ट्रांजिशन इंफिनिटी से होता है हमेशा. अगर आपको सीरीज लिमिट लिमेंस जिसका बोला है तो इंफिनिटी टू 1. अगर आपको ट्रांजिशन सेकेंड लेवल पे दिया है तो बाइमेंस जिसका सीरीज लिमिट है इंफिनिटी टू 2. फिर पास्टिन का है इंफिनिटी टू 3 ब्रैकेट इंफिनिटी टू 4 सो ऑन सो फोर्थ. आपको पता होना चाहिए. तो सिंपल रिलेशन, सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन from nuclear physics. A radioactive element has a rate of disintegration 10,000 disintegration per minute at a particular instant. After 4 minutes, it becomes 2500 disintegrations per minute. The decay constant per minute is. So, पहले मैं आपको basic idea बता देता हूँ radioactivity का. So, let's quickly revise what is radioactivity. देखो, the idea is very simple. ऐसा है कि there are some nuclei which are unstable. वो stable नहीं होते हैं. अब जो nuclei stable नहीं होता है, वो stability के लिए to achieve stability it disintegrates. वो उसके दो part हो जाते हैं. Okay, right? So you need to know there are two types of reactions, fusion and fission. So heavier nuclei, those who are not stable, जैसे यूरेनियम है, उस nuclei it disintegrate, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं to achieve stability. तो stability curve से start कर लेते हैं, that would be a better thing to do. अगर आपको याद होगा, आपने nuclear physics में एक stability curve देखा है, यहाँ पे आप plot करते हो mass number A. This is mass number, total number of protons and neutrons in a nuclei. You plot A and you plot binding energy per nucleon here. मैं बहुत basic से start करूंगा ये concept. Binding energy क्या है, वहां से start करेंगे, stability curve तक जाएंगे, फिर radioactivity क्या है वो देखेंगे. In electrostatics, अगर आपको याद है electrostatics, आपने what you have learned, you know कि दो positive charges में हमेशा रिपल्शन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी देयर, करेक्ट. अब थिंक ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में यू मे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम पहले पॉजिटिव चार्ज को लाके न्यूक्लियस में रख रहे थे, हम रख रहे थे मतलब इट हैपेंस नेचुरली. ओके, सो वी आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी, कीपिंग इट समवेयर. No work is done क्योंकि अपोज करने के लिए कोई फील्ड था ही नहीं. जब सेकेंड पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेकेंड पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से लाके अगर यहां रखना चाहते हैं तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो ये वर्क डन कहां गया? ये वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली. फिर आप और पॉजिटिव चार्ज लाओगे न्यूक्लियस के अंदर, और वर्क डन करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू ब्रिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज, मोर वर्क इज डन, सो ऑन सो फोर्थ.
साथ में न्यूट्रॉन को भी जब लाओगे तो भी वर्क डन होता है. तो डोंट थिंक कि न्यूट्रॉन को असेंबल करने में वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, बट न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड क्वार्क्स आर चार्ज पार्टिकल्स. तो द आइडिया इज एक न्यूक्लियस में सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. तो वर्क डन टू असेंबल अ न्यूक्लियस और द वर्क डन टू ब्रिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, अब जितना एनर्जी न्यूक्लियस को बनाने में लगा है उतना ही एनर्जी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने में लगेगा, न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगेगा. The energy required to separate nucleons of a nucleus is also binding energy. So, jitna nucleons ko saath lane mein energy spend hua hai, utna hi energy nucleons ko split karne mein bhi lagega. That is binding energy. Ab hota aise hai, you have many nucleus out of which some are unstable. So, sabse stable nucleus kaun sa? तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों बोल रहा हूं, देखो टोटल एनर्जी ये जो चार्जेस को साथ में लाने में जो हमारा टोटल एनर्जी स्पेंड हो गया उसको हमने बोला है बाइंडिंग एनर्जी. लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है ना. सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड. तो ये जब मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में मतलब पूरे न्यूक्लियस में स्टोर हो गया. मुझे देखना है कि हर एक न्यूक्लियॉन के साथ, हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ कितना एनर्जी है. तो मैं क्या करूंगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दूंगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज गिवन बाय मास नंबर. मास नंबर ए इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. अब जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है. जैसे आयन, आयन का होता है अराउंड 8.75 रफली. ओके, तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका होगा वो हाईली स्टेबल होगा. तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगेंस्ट मास नंबर प्लॉट करते हो, यू गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. ऐसा आपको ग्राफ मिलता है. ओके, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा हल्का सा फ्लैट करना चाहिए, लिटिल बिट फ्लैटर. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. सबसे ज्यादा एनर्जी आता है फॉर आयन, 57 आई थिंक उसका मास नंबर है If I remember correctly, जो भी होगा राइट. अब इशू ये है कि इस तरफ और इस तरफ राइट, तो रफली स्पीकिंग अराउंड 60 से लेके 140 तक अराउंड. सो दीज आर मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियस. अब जो स्मॉलर मास नंबर के न्यूक्लियस है, लो मास नंबर है ना, लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, इसके न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है. तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस कंबाइन होके स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन. और जो 140 के ऊपर जिनका मास नंबर होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, दे आर हैवी न्यूक्लियस. तो ये स्प्लिट होके दे विल स्प्लिट इनटू टू एंड दे विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी राइट. सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, ये जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, जो स्टेबल नहीं है, दे विल स्प्लिट, दे विल डिसइंटीग्रेट. तो अगर मेरे पास एक्स एक न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, इट विल बिकम वाई प्लस सम अदर पार्टिकल.
प्लस सम पार्टिकल और एनर्जी। तो ये जो एक्स न्यूक्लियस था जो अनस्टेबल था इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट न्यूक्लियस, और वाई जो है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। So that is the idea behind radioactivity. Unstable nucleus will disintegrate to achieve stability. Okay. अब question ये आ गया इसमें, if I have n number of unstable nucleus at some instant of time, मेरे पास n number of radioactive nucleus है, तो क्या सारे के सारे nucleus एक साथ disintegrate हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। So not all the radioactive nucleus disintegrate at the same time. So कितने radioactive nucleus, unstable nucleus per second disintegrate हो रहे हैं? So disintegrate मतलब dN by dt. Yeah? कितने unstable nucleus radioactive है जो decay होके stable होंगे per unit time, that is proportional to the number itself. आपके पास कितना अनस्टेबल न्यूक्लियस है उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक। तो dN by dt is equal to some constant lambda into n with a negative sign. ये जो lambda है ये constant of proportionality है, इसको बोलते हैं decay constant, ओके, या तो disintegration constant. माइनस क्यू, क्योंकि ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था अनस्टेबल न्यूक्लियस था वो डीके हो रहा है, मतलब उसका नंबर कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन। दिस इज कॉल्ड एज डीके लॉ। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? तो हाउ डू राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दो वेरिएबल है, एक एन एक टी, और दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो, तो n को एक साइड रखो और dt को दूसरी साइड ले जाओ, फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, और लैम्डा तो कांस्टेंट था बाहर। इनिशियल क्वांटिटी मैं मान लेता हूं n जीरो है, मतलब ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वाज n जीरो मान लेते हैं, राइट। तो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम n जीरो टू n और टाइम जीरो से t। आपको पता है dn by n का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ n बिटवीन लिमिट्स n 0 टू n, या आएगा माइनस लैम्डा t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। ये आपको मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n by n 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। लॉग नहीं चाहिए तो दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, n अपॉन n 0 इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा t। दिस इज व्हाट यू हैव, ओके। So, you get an equation here, n equal to n0 e raised to minus lambda t. This is called as a radioactive decay law. Okay, so आपको ये equation, ये पूरा concept पता होना चाहिए. Unless you know the concept, question solve नहीं कर पाओगे. So, अब आपको कॉन्सेप्ट पता है रेडियोएक्टिविटी का, आपको रेडियोएक्टिविटी के लॉ पता है। यू नो n by n0, वेयर n0 इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, इज e रेज्ड टू माइनस लैम्डा t, करेक्ट? कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। अब व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम बेसिक्स? dn by dt डिसइंटीग्रेशन रेट was proportional to the quantity present. ऐसे ही बोला था आपने, right? Correct. तो n upon n0 is dn by dt upon dn0 by dt. जब initially quantity ज्यादा था तो disintegration rate ज्यादा था, फिर quantity कम हुआ तो disintegration rate भी कम हुआ, क्योंकि disintegration rate dn by dt proportional होता है number of न्यूक्लियस प्रेजेंट के ऊपर। तो ये जो आपके पास n by n0 है, so n is proportional to dn by dt, okay? तो dn0 by dt is proportional to n0, तो बस रेशियो ले लिया मैंने, that's it. This is equal to e raised to minus lambda t
है ना, अपॉन e रेस टू माइनस लैम्डा जीरो, क्योंकि इनिशियली टाइम तो जीरो था, राइट? ओके, इनिशियली टाइम जीरो था, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके इफ यू डोंट राइट दिस, दैट इज जस्ट फाइन, कोई इशू नहीं, आ गया, राइट? अब dn by dt कितना बोला है, 2500, 2500, 4 मिनट के बाद 2500 पर मिनट, इनिशियल कितना बोला है 10,000 इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा इनटू टाइम दिया है 4, 1 का 4 का, तो 1/4 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 4 लैम्डा, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू 4 लैम्डा, मतलब ई रेस टू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4, हमको क्या चाहिए, हमको डी के कॉन्स्टेंट चाहिए, पर मिनट हमको लैम्डा चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो 4 लैम्डा इज नेचुरल लॉग ऑफ 4, है ना, तो 4 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4, नेचुरल लॉग ऑफ 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर आपको लॉस ऑफ ये जो एक्सपोनेंशियल आप लिखते हो 2 के पावर में जो लिखा है वो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11th में मैथमेटिक्स में सीखा होगा आपने, तो 2/4 लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2, 1 and 2 are 1/2 is 0.5, तो 0.5 नेचुरल लॉग ऑफ 2, 0.5 नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई ऑफ 2, ऑप्शन नंबर बी, ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसा आपको सॉल्व करना है, यू नीड टू नो द बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं बताओगे तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बोहर, इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकेंड बोहर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट एंड डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ द टू स्टेट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 4.2 ईवी देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, सिंपल क्वेश्चन है, आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 ईवी, आपको बोला है कि सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट भी दिया है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट विल बी -13.6/1 स्क्वायर ईवी, दैट इज -13.6 ईवी, एंड इन द सेकेंड ऑर्बिट इज -13.2 स्क्वायर ईवी, that is -13.6/4 which happens to be 10.2 if I am not wrong, 10.2 hota hai I think, just a minute let me cross verify, 10.2 to nahi hoga but exact value I don't remember now, my 13.6/4 3.4, to ye 10.2 difference aata hai iska, so this is -3.4 ev, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो जब ट्रांजिशन होगा कहां से सेकेंड से फर्स्ट में, तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, तो E2 इज -3.4 माइनस ऑफ -13.6 एंड दिस इज 10.2 ev, तो 10.2 ev ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हुआ, तो फोटोन एनर्जी कितना रिलीज हुआ, 10.2 ev. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रिमेम्बर, ये जो फोटोन का एनर्जी होगा डेल्टा ई, दिस विल बी यूज्ड फॉर टू पर्पस, एक तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, प्लस रिमेनिंग विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इफ यू रिमेम्बर स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में इवन द इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज स्टॉप, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज ईवी जीरो, अगर आपको याद होगा तो, इफ यू रिमेम्बर दिस इज व्हाट यू हैव, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टू ई, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपोजिट प्लेट को इतना नेगेटिव कर देते हो, इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हो that the electron with maximum kinetic energy is not able to reach. Okay, good. Then, so this question is a combination of two different ideas, two different concepts. Okay,
डेल्टा ई आपके पास 10.2 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास 4.2 है, प्लस ई वी जीरो, तो आपको मिल जाएगा ई वी जीरो इक्वल टू 10.2 माइनस 4.2 ई वी, मतलब ई वी जीरो आपको मिल जाएगा 6 ई वी, मतलब आपको वी जीरो मिल जाएगा 6 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सिंपल क्वेश्चन था, आइडिया अच्छा था, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और बेसिक आइडियाज ऑफ बोहर, बोहर्स पोस्टुलेट को अप्लाई करने हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है इलेक्ट्रॉन का इन द फोर्थ ऑर्बिट। यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज, एक तो आप बोल सकते हो यू कैन अप्लाई बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आप बोल सकते हो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, ओके राइट, देन एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई, दिस इज वॉट यू कैन डू, या फिर आप एम वी को मोमेंटम लिख सकते हो, मोमेंटम इंटू आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ऐसा भी कर सकते हो। सो मैंने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई डू दिस, क्योंकि मुझे यहां से मिल जाएगा मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई आर एन, ओके राइट करेक्ट, देन इफ यू नो वेवलेंथ इज एच अपॉन मोमेंटम, वेवलेंथ इज एच अपॉन मोमेंटम इज एन एच अपॉन अपॉन टू पाई आर एन, तो एच एच कैंसल हो जाएगा, लैम्डा विल बी टू पाई आर एन बाई एन। आपको फोर्थ ऑर्बिट में पूछा है, तो फॉर एन इक्वल टू फोर यू विल हैव लैम्डा इक्वल टू टू पाई आर फोर बाई फोर। अगर आपको याद है फॉर बोहर्स पोस्टुलेट जब अप्लाई करते हो आपको मिलता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन, रेडियस ऑफ एंथ बोहर ऑर्बिट इज एन स्क्वायर इंटू फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, है ना राइट, तो आर फोर फोर्थ ऑर्बिट में विल बी फोर स्क्वायर आर वन, आर वन को आर बोला है उन्होंने, देखो आर इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सो दैट इज 16 आर, तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई 16 आर बाय 4, 4 वन का 4 4 का इट इज 8 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है ना कि ये इक्वेशन याद नहीं रहता, यू शुड रिमेंबर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। राइट, इजी क्वेश्चन था, हमने सिर्फ बोहर सेकंड पोस्टुलेट यूज किया, एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई, एम वी इज मोमेंटम, मोमेंटम का इक्वेशन मिल गया एन एच अपॉन टू पाई आर एन, बट वेवलेंथ इज एच अपॉन मोमेंटम, तो आपको वेवलेंथ का इक्वेशन मिल गया, फिर आपने एन की जगह पे फोर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आर फोर आ गया और नीचे फोर आ गया, बट आर फोर इज R4 is 16 times of R. This is what you have. All right, good. Next question, question number 17. When an electron in hydrogen atom revolves in stationary orbit, it does not radiate light through velocity changes. Does not radiate light and velocity remains unchanged. Radiates light, but its velocity is unchanged, radiates light with the change of energy. This is simple, it does not radiate light though its velocity changes. Because electron can only be in those orbits in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Or ye jo orbits hote hain, ye stable orbits hote hain. स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज यू नो वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन
ये स्टेबल ऑर्बिट है एंड इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेबल ऑर्बिट्स में एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट लाइट दो इट्स वेलोसिटी चेंजेस. तो ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 18. फॉर द हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इज. इजी है, आपको एनर्जी का इक्वेशन पता है, En is equal to -13.6 by n square eV, है ना? तो आपको पूछा है एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड, ये याद रखना, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5, मैंने कल ही बताया था आपको, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू, इसको n1 बोल देता हूँ, इक्वल टू 3. तो आपको बेसिकली पूछा क्या है, हाउ मच इज द एनर्जी रेडिएटेड, है ना? तो आपको पूछा है डेल्टा ई विच इज गोइंग टू बी ई एन वन माइनस ई एन टू, राइट? तो दिस विल बी द एनर्जी रेडिएटेड एक्साइटेड स्टेट. बहुत सारे बुक्स में गलत करके रखा है, आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. मेनी बुक्स एक्साइटेड वर्ड पे ध्यान नहीं देते. फोर्थ स्टेट टू सेकेंड स्टेट, दैट इज अ डिफरेंट आंसर. एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3. यहाँ पे ध्यान देना, अदरवाइज यू विल गेट योर आंसर्स रॉन्ग. तो ये आ जाएगा आपका सिंपल थिंग, -13.6 बाय n1 स्क्वायर माइनस +13.6 बाय n2 स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका 13.6 आप आउटसाइड निकाल लो, -1 बाय n1 मतलब 5 स्क्वायर, +1 बाय n2 मतलब 3 स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा 13.6, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25. तो 13.6, 25 माइनस 9 इज 16 अपॉन 25 इंटू 9. ओके, सो व्हाटएवर इट टर्न्स आउट टू बी, जो भी आपको आंसर मिलेगा, that is going to be the correct answer. I am doing it on calculator for now. So 13.6 multiplied by 16 divided by 9 into 225 मतलब basically 0.967 आ रहा है आंसर. So it is coming out to be 0.967 eV. है क्या? है. Option number C. So this is how you are supposed to solve question. अब देखो क्या होगा अगर आपने गलती से excited word नहीं पढ़ा. If you don't read excited word, तो आप fourth excited state के लिए you will put n1 equal to 4 and n2 equal to 2. अगर ऐसा करोगे तो answer आपको अलग मिलेगा. So what you will be getting is 13.6 minus 1 by n1. n1 is 4, 4 square is 16, plus 1 upon n2, n2 is 2, and this is 4. So, you will get 13.6, 1 by 4 minus 1 by 16. So, 13.6 by 4, 4 common nikal liya, 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. So, you will get 13.6 by 4 into 3 by 4, right? तो ये आपको आने वाला है, दिस आंसर यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग दिस 13.6 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 16 रफली 2.55. तो देखो एक छोटा सा गलती कैन चेंज योर आंसर्स. सो मोस्ट ऑफ द बुक्स दे हैव गिवन 2.55 व्हिच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बोला है. ओके, सो यू शुड गेट 0.967 ईवी. Okay then, that's sufficient for today. We will stop at this time. We'll continue with more questions in the next session.